आज के लेक्चर में हम कर्ल और सर्कुलेशन क्या होता है वो डिफाइन करेंगे और उनको ड्राइव भी करेंगे। तो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन कोई भी वेक्टर का सर्कुलेशन सिंपली डिफाइन होता है उसका लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी। तो मान लो ये कर्व सी है और ये वेक्टर कोई ए है, ये वेक्टर फील्ड है तो इसका इस वेक्टर फील्ड का सर्कुलेशन अलोंग दी कर्व सी इज कॉल्ड दी सर्कुलेशन। अब मान लो मेरा वेक्टर फील्ड ऐसा है जिसमें सर्कुलेशन है ही नहीं, वो परपेंडिकुलर है इसके कर्व के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो इसका मतलब एक टाइप से जो सर्कुलेशन है ये उस वेक्टर फील्ड का के अंदर कितना रोटेटिंग कंपोनेंट है वो दिखाना चाह रहे हैं। ओके, अदरवाइज अगर कोई रोटेटिंग कंपोनेंट है ही नहीं, ये सीधा सिंपली डाइवर्जिंग फील्ड है, तो सर्कुलेशन क्या होगी? जीरो हो जाएगी दिस फील्ड के अलोंग दिस कर्व सी। तो इसीलिए ये जो सर्कुलेशन है ये कर्ल से बहुत ही क्लोजली इंटरलिंक्ड है। अब कर्ल क्या है? कर्ल इज डिफाइंड और बाय सिंबोलिकली वी कॉल इट दिस डेल क्रॉस ए। ये कुछ नहीं, ये रोटेशन कंपोनेंट देता है, रोटेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन हम अभी डिराइव करेंगे। ओके, तो कर्ल मैंने बता दिया ना, सर्कुलेशन मैंने बता दिया। अब कर्ल बहुत ही इंटरलिंक्ड है सर्कुलेशन से, तो उसके लिए लेट अस से हम अब एक कर्व लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कर्व है अपनी एक्स वाई प्लेन में। यूजली हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं और आपको पता ही है किसी भी कर्व की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन आपकी उस कर्व की डायरेक्शन होगी, सर्कुलेशन की डायरेक्शन होगी। ओके, तो इसमें ये डायरेक्शन क्या होगी? जेड डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, ये पॉइंट एक्स वाई है, ये पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई है, ये पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा y है और ये x y प्लस डेल्टा y पॉइंट है। ओके, तो सर्कुलेशन ऑफ दिस कर्व आई विल प्रेजेंट इट एज सी जेड। क्यों? क्योंकि ये कर्व क्या है, इस डायरेक्शन ए जेड के अलोंग है, इज डिफाइंड एज ए रूट डी एल अलोंग दिस कर्व सी। ये कुछ भी नहीं, सिंपल क्या आएगा, ए डॉट डी एल, ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट इस कर्व का, ये फोर्थ पार्ट। तो अलोंग दिस फर्स्ट ए डॉट डी एल अलोंग दिस सेकंड, ए डॉट डी एल अलोंग दिस थर्ड एंड ए डॉट डी एल अलोंग दिस फोर्थ पार्ट ऑफ द कर्व। नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या है? एक्स वेरी कर रहा है, वाई वेरी नहीं कर रहा, और इस डायरेक्शन क्या है? ए एक्स की तरफ है ए एक्स। डी एल डायरेक्शन क्या है? ए एक्स की तरफ है। तो ए जो वेक्टर है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तो फर्स्ट में डी एल डायरेक्शन क्या है? ए एक्स की तरफ है, तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल ए एक्स सर्वाइव करेगा। तो ए एक्स एट वाई डी एक्स प्लस सेकेंड कर्व, सेकेंड कर्व में वाई डायरेक्शन क्या है? वाई, तो ए वाई सर्वाइव करेगा और एट व्हाट इज पॉइंट इज दिस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डी वाई। सिमिलरली थर्ड के लिए माइनस साइन आएगा क्योंकि डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ है, तो ए एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई डी एक्स।
प्लस फोर के लिए फिर से माइनस साइन आएगा, ए वाई एक्स डी वाई। तो इस तरीके से ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वही सिंपल फिर से मानेंगे कि डी एक्स डी वाई जो बहुत स्मॉल है तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इनको फिर से बाहर में निकाल लूंगा करके। तो दिस सी जेड विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए एक्स वाई इंटू डेल्टा एक्स माइनस ए एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स प्लस ए वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई माइनस ए वाई एट एक्स डेल्टा वाई। अब नेक्स्ट स्लाइड में फिर से थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे। तो मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा, ए एक्स एट वाई माइनस ए एक्स एट वाई प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई बचेगा प्लस ए वाई एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए वाई एट एक्स ओवर डेल्टा एक्स बचेगा। ठीक है, और अगर ये इसको डेल्टा एस सरफेस मान लूं, डेल्टा एस सरफेस अलोंग द डायरेक्शन जेड, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा। और मान लो ये दिस टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी स्मॉल सरफेस डी एस जेड ओनली एंड इट विल बी डो वाई ऑफ ए एक्स माइनस का साइन। ओके, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, प्लस डो वाई डो एक्स ऑफ ए वाई एट एक्स वाई। ओके, और ये अप्रोक्सीमेटली साइन क्या चेंज होएगा, इक्वल टू में साइन चेंज हो जाएगा। तो सी जेड इक्वल्स टू ए डॉट डी एल ओवर सरफेस एस लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो एंड इसकी डायरेक्शन क्या थी, ए जेड थी। तो अगर मैं वेक्टर बनाना चाहूँ तो ए जेड ओके इक्वल्स टू डो बाई डो एक्स माइनस डो ए एक्स बाई डो वाई एंड दिस इज द जेड कंपोनेंट। ओके, सो इन दिस वे आई हैव गॉट एन आइडिया कि एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जिसके ये कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा, सिमिलरली एक्स और वाई कंपोनेंट भी होंगे। तो इसी तरीके से मैं और कर्व लूंगा जो कि दूसरे वाई जेड प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में लाई करेंगे, और इस तरीके से हम ये बाकी कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो सर्कुलेशन होगा उसके तीन कंपोनेंट होंगे एंड इट विल बी रिटन एज डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू वन बाय, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं जो कि जेनरिक फॉर्म है, वो ए यू वन एच वन ए यू टू एच टू ए यू थ्री एच थ्री डो बाई डो यू वन डो बाई डो यू टू डो बाई डो यू थ्री एच वन ए वन एच टू एच थ्री ए थ्री। ओके, तो इस तरीके से डेल क्रॉस ए का हमें पता लग गया और इसके तीन कंपोनेंट होंगे। ठीक है, और बाय डेफिनेशन डेल क्रॉस ए क्या हो गया, इट इज नथिंग बट ए डॉट डी एल ओवर ए सरफेस व्हेन द सरफेस टेंड्स टू जीरो एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ए वेक्टर वेयर दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये डेल क्रॉस ए जो था डॉट डेल डेल्टा एस, कोई एक मैंने कर्व लिया, इट विल बी ए डॉट डी एल
अलोंग द सरफेस एस। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में लाई करें। तो इसका मतलब डेल क्रॉस की एक ही डायरेक्शन क्या बताती है, वो बताती है जहां ये मैक्सिमम हो। तो मैथमेटिकली अगर मैं बोलना चाहूं कि कर्ल क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन मैथमेटिकली इससे क्या निकलती है। सो वी राइट एज डेल क्रॉस ए इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो ए डॉट डी एल कर्व सी डेल्टा एस एंड वेक्टर डायरेक्शन इज ए एन। सो इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड गिव्स दी मैक्सिमम नेट सर्कुलेशन ऑफ दी वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया एज दी एरिया गोज टू जीरो एंड इट्स डायरेक्शन इज द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ दी एरिया वेयर दी एरिया इज ओरिएंटेड टू गिव मैक्सिमम नेट सर्कुलेशन। ओके, तो ये प्रीवियस स्लाइड से समझना सख्त जरूरी है कि ये मैक्सिमम कैसे है। तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि ये सर्कुलेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों ओरिएंट ऐसे होंगे कि डायरेक्शन सेम है। तो ये डेल्टा एस की ओरिएंटेशन ऐसे करो कि सर्कुलेशन मैक्स आ जाए, तो डेल क्रॉस ए की डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए जो इस डेल्टा एस की डायरेक्शन है। तो यही हमने लिखा है, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड गिव्स द मैक्सिमम नेट सर्कुलेशन ऑफ ए पर यूनिट एरिया व्हेन द एरिया गोज टू जीरो एंड इट्स डायरेक्शन इज द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया व्हेन दिस इज ओरिएंटेड टू गिव द मैक्सिमम नेट सर्कुलेशन। तो ये डेल क्रॉस ए और कर्ल कहलाता है। और मैंने इसकी क्या बोलते हैं जो जनरल फॉर्म है वो मैंने बता दी है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर कोई बात नहीं थोड़ा छोटा है क्योंकि हमने बाकी इस कोडिंग सिस्टम में डिराइव नहीं किया क्योंकि बहुत लेंथी है, प्रोसीजर सिमिलर है, इजी है बट लेंथी है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल सीधा डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम देखेंगे और थोड़ा बहुत वो वैलिड कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है वो भी देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है डाउट डिस्कशन के लिए उसको ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।